आगरा में रविवार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैली का आयोजन किया गया था। इस बीच उन्होंने किसानों से कई वादे किए। मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी और आमदनी घट गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर गर्मी ना निकले मगर युवाओं के लिए भर्ती जरूर निकलेगी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं, न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो, 1800 2000 पहुंच गई, और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गई। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे, बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रही लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए, और कोई सड़कों पर नहीं निकल सकता था, हम लोग आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे।